वाई आई वॉज ऑफ फ्रॉम यूट्यूब, आई डोंट वांट टू क्राई. अगर मैं किसी लड़की के साथ फोटो भी डाल दूंगी ना, बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है. फियर इज द वर्स्ट एनिमी टू हैव. बस इसके चैनल को तो कुछ हो जाए, इसका चैनल डूब जाए. यू नो, इनके घर का एक बच्चा तो यूपीएससी निकाली गई. बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली यार, मैं आपको क्या बताऊँ. हैड यू एवर एक्सपीरियंस्ड हॉरर, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग, आई मीन पैरानॉर्मल एक्टिविटी? तो कोई मेरे पैर को ऐसे ऐसे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है. हे एवरीवन, इट्स शालिनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हो आप लोग? मैंने आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वर्चुअल हग. मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं. आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव नॉट पोस्टेड एनी लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट ऑन माई चैनल. आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ मंथ. आई हैव सो मच टू से एंड टॉक अबाउट. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में. ग्रैब समथिंग टू ईट और ड्रिंक बिकॉज दिस इज गोना बी अ लॉन्ग talkative video. You guys definitely deserve to know that why I was off YouTube, why I was not posting long form content. So I'll be answering some of the obvious questions in today's video. Also, I posted a YouTube community post 3 weeks back, जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोग को कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लो. तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो वो भी मैं आंसर करने वाली हूँ. बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हूँ, नर्वस हूँ मैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है ये चीज़ की क्यू एन ए वीडियो से ना मेरी फटती बहुत है. बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक डू सच वीडियोज. और मैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक गायब थी, तो मैं कम बैक एक क्यू एन ए वीडियो के साथ, क्यू एन ए भी नहीं बोल पा रही, वाह, मैं कम बैक भी एक क्यू एन ए वॉट मैं कम बैक भी एक क्यू एन ए वीडियो के साथ करना चाह रही थी, जस्ट टू आंसर obvious questions, you know. Okay, let's begin with the most obvious question, why I was off from YouTube and why I was not posting any long form content. Is question ka answer karne se pehle, can I just thank you guys for really checking on me. Mujhe itne sare comments aaye Instagram pe, DMs bhi aaye. Some of the DMs were like so sweet. They were like genuinely concerned about my mental or physical health, ki whether I'm doing fine or not. And samne se bol rahe the ki jo bhi hai Shalini, sab theek ho jayega, we love you, take your time off YouTube if you want to. I mean, how sweet this is. I do feel like mere subscribers are the best subscribers. All right, I don't want to cry, I'm PMSing, but yeah, I do get emotional whenever I like think about you and our channel, because it's like my baby. And yes, I took a break, and it was not at all a planned break. You know, October के end में मेरे sister का birthday था. I vlogged the entire thing, and continuation में भी मैंने थोड़े बहुत ऐसे vlogs किए जब November शुरू हुआ. And then November के first week में I fell sick. And मुझे जब भी सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार टाइप का कुछ होता है ना, मेरा बहुत लंबे समय तक चलता है. एक बार होता है साल में या दो बार होता है, पर जब भी होता है ना, बहुत लंबे समय के लिए चलता है. So I was sick for ऑलमोस्ट 10 days, मे बी मोर देन 10 days. स्टार्टिंग के दिनों में तो बस मेरे नाक बह रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, एकदम चिड़चिड़ापन मुझे हो रहा था, और मुझे बस लग रहा था कि बस ये सर्दी चले जाए यार, आई शुड गेट बैक ऑन वर्क एंड मेरी आवाज़ वापस आ जाए. क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी एंग्शियस कि मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही, कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई हैड सम अदर लाइक ब्रांडेड कॉन्टेंट टू डिलीवर टू ब्रांड्स एज वेल, वो भी पोस्टपोन करना पड़ा मुझे. तो बहुत एंग्शियस और नर्वसनेस लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा. और जैसे मैं 10-12 दिन के बाद ठीक हुई, आई जस्ट कुडंट गेट बैक टू फिल्मिंग कॉन्टेंट. यू गाइज नो दिस, आई लव इन्जॉइंग फिल्मिंग कॉन्टेंट एंड एडिटिंग कॉन्टेंट. मुझे बहुत मज़ा आता है. दिस इज अ जॉब दैट आई लव टू डू. आई फ्रीकिंग लव दिस जॉब. और उसी के लिए ही मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, कोई इंस्पिरेशन नहीं. आई जस्ट डिडंट वॉन्टेड टू लाइक टेक माई कैमरा आउट एंड फिल्म एनी कॉन्टेंट. प्रॉब्ली बिकॉज आई जस्ट couldn't think of any new ideas to bring to you guys. And this year 2022 is like ending, and I just wanted to like bring something new to the table, to the channel, you know. And there is this fear also that I had ki agar main kuch naya content leke aao, mere subscribers ko pasand nahi aaye, to what if jitne views mujhe aa rahe hain, jitne likes aa rahe hain, jo comments mujhe mil rahe hain, wo bhi aana band ho gaye. To fear is the worst enemy to have. I mean, jis cheez ko aap pyar karte ho usi ko leke aapko fear baith jaye, to aap kya kar loge. So I was like, theek hai, main theek ho gayi hu, 2-3 din leti hu, kuch sochti hu, let me brainstorm with some new ideas, what other content I should film apart from the already existing content that you guys are liking. And I just couldn't think of
anything. My mind went blank. I thought of posting vlogs as well. I had like vlog content that I still need to like edit and post. Okay, aayega channel pe. But I was like, you know, but I don't post like regular vlogs. I do most of like problem solving and informative sort of a content. So wahi cheez mein soch nahi pa rahi thi. And I was like, chalo theek hai, thoda break lete hain. Kitna break? 5 din ka le lete hain. Aur main bimar thi hi, thodi si aur theek ho jaungi. 5 din ka break turned into 1 week ka break. 1 week ka break in turn into like 2 week ka break. And it just turned into the entire month ka break. And the entire November, I was so anxious. I was so anxious. Every single day, I was not filming any long form content for the channel. I was feeling like anxious. And this is such a irony. I mean, mujhe film bhi karna hai, but meko film nahi bhi karna hai because I have this fear. I'm feeling anxious. Jo break maine liya ek mahine ka, उसमें मैं खुश नहीं थी. सो इट वॉज अ वेरी क्या कहते हैं, बहुत ही हॉचपॉच वाला ब्रेक बिकॉज आई वॉज नॉट इन पीस फॉर श्योर. सो या द एंटायर नवंबर वॉज समथिंग लाइक दिस. या नवंबर एंड हुआ, आई वॉज लाइक ठीक है, एवरीथिंग इज इन द पास्ट, इट्स ओके, योर सब्सक्राइबर्स आर स्टिल देयर, दे लव यू, दे गोना सपोर्ट यू. शालिनी, यू हैव टू जस्ट टॉक टू देम. सो हियर आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज, शेयरिंग व्हाट आई फील. आई ऑलवेज हैव ट्रीटेड यू एज माई फैमिली. सो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ कि व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू. And yeah, thank you so much for like sticking around. And I hope ki jo bhi future mein content aayenge, wo aap dekhoge. Aur December and January mein to aapko thode bahut aise, you know, fun vlogs aur content dekhne ko bhi milenge because it's wedding season and I have like 2 important wedding to attend in January. So ek to meri cousin ki shaadi hai aur ek one of my close friends sister's wedding it is. So yeah, this is the reason that I was off from YouTube. Sometimes I feel like, you know, mujhe na aise planned breaks lena chahiye instead of doing unplanned breaks, kyunki jab main planned break lu to I could be in peace. Okay, now I'm going to pick up YouTube community post say questions. This is not a question, but this is from Astha. I want more vlogs. They are so indulging and relatable. Thank you so much, Astha. More vlogs are coming your way. Ek to didi ke birthday wala vlog aane wala hai. कुछ मिसहैप हुआ था उसमें जो कि आपको देखने में थोड़ा मजा आएगा. एंड देयर इज अनदर व्लॉग दैट इज कमिंग विच इज लाइक अ वीकली सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग. एंड विद व्लॉग्स आई डू फील लाइक कि नॉट ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स लाइक टू वॉच माय व्लॉग्स, बट कुछ ऐसा हिस्सा है सब्सक्राइबर का जो मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करता है. एंड जो व्लॉग्स नहीं भी देख रहे उनको भी वी विल टर्न इन टू लाइक व्लॉग वॉचर्स, इफ दैट्स अ टर्म. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई इलस्ट्रेशंस बाय हर. डज द ग्रोथ ऑफ फेलो इन्फ्लुएंसर्स अफेक्ट यू मेंटली? बाय द वे, लव 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 योर वाइब. हाउ स्वीट, थैंक यू. ओके, सो आई डोंट हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन. माई आंसर माइट साउंड पॉलिटिकली करेक्ट ऑल्सो, बट प्लीज हियर मी आउट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेज इट डज नॉट अफेक्ट मी. आई एम टॉकिंग अबाउट days when I am like super busy with my work. I'm thinking about what content to post, how to do better with the channel, you know, I'm like indulged in my own work. And there has been days when the growth of other creators does affect me. Kabhi kabhi affect hota hai yaar, kabhi kabhi lagta hai ki are kaash hamara channel bhi, यू नो, ग्रो कर रहा होता है इतनी फास्ट स्पीड से, काश हमारे भी काफी वीडियोस वायरल होते. आई मीन ये सारी चीजें मैं सोचती हूँ. मे बी बिकॉज ये स्पेस ही ऐसा है और मैं जिस प्रकार का कॉन्टेंट पोस्ट करती हूँ, आई एम नॉट दी ओनली वन पोस्टिंग ब्यूटी कॉन्टेंट और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट. लाइक मैनी क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग द सेम थिंग. सो वी वॉन्ट टू डू बेटर एंड अच्छा, ताकि आपका वीडियो, हमारा वीडियो अच्छा परफॉर्म करे. और जब नहीं करता है तो तब थोड़ा लोअर सा लगता है. सो या इट डज अफेक्ट मी गाइज, चाहूँ या ना चाहूँ इट डज अफेक्ट मी. और मैं एक और चीज़ मैंशन करना चाहूँगी, वेन एवर अदर क्रिएटर्स ग्रोथ, चैनल ग्रोथ और देयर वीडियो ग्रोथ हैज अफेक्टेड मी, दैट डज नॉट मीन कि मैं एकदम नेगेटिव स्पेस में चली जाती हूँ या फिर बुरा बुरा सोचने लगती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बस इसके चैनल को तो कुछ हो जाए, इसका चैनल डूब जाए या व्हाटएवर. ऐसा कभी नहीं सोचा है मैंने, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ गाइस. मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, फिल्म करने में, और पता नहीं क्या क्या तो लग जाता है. ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आयुषी कश्मीरकर. वर यू एवर इनसिक्योर अबाउट योर फ्यूचर इन अर्ली ट्वेंटीज? हाउ डिड यू कोप अप एंड स्टे मोटिवेटेड? एंड हाउ डू यू फील नाउ? लॉट्स ऑफ लव शाली. लॉट्स ऑफ लव आयुषी, डेफिनेटली येस. क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जीवन में मुझे करना क्या है, स्पेशली अर्ली ट्वेंटीज में कुछ भी नहीं पता था. आई विश कि मैंने करियर काउंसलिंग के बारे में सोचा होता या मुझे अच्छा करियर गाइडेंस मिला होता. यू नो, व्हेन यू आर अ चाइल्ड ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यू नो, इनके घर का एक बच्चा तो यूपीएससी निकालेगा ही या करना ही चाहिए. इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी थी, दे नेवर थॉट कि आई विल डू समथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ एंड आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल और यूट्यूब करियर. सो यस, अर्ली ट्वेंटीज में आई वॉज दिस कन्फ्यूज बच्चा जिसको पता ही नहीं था कि
क्या करना है और किस डायरेक्शन में उसका करियर जाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन उसको करियर के लिए रखना चाहिए. इवन आफ्टर ग्रेजुएशन एक साल का मैंने ब्रेक लिया और उसमें भी आई वॉज ट्राइंग लाइक मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स कि बैंक जॉब कर लेती हूँ, प्रॉब्ली MBA कर लेती हूँ, उसकी तैयारी भी कर लेते चलो, विच वॉज सो स्टूपिड ऑफ मी. आई सो विश कि मैंने करियर काउंसलिंग पे ध्यान दिया होता. और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, आई वॉज 100% श्योर ऑफ दिस थिंग दैट ये चलेगा मेरा, यू नो आई एम गोन गिव माई 100% टू दिस और ये मेरा चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बिकॉज आई एम गोन मेक इट हैपन, आई मैनिफेस्टेड दैट. सो हाँ, अपना चैनल चल गया उसके बाद तो देर इज़ नो गोइंग बैक. मैं समझ सकती हूँ कि वेन यू आर इन योर 20s, दिस इज वन ऑफ दोज टाइम जब लोग बोलते हैं कि 20s आर द बेस्ट टाइम ऑफ योर ईयर, इसी टाइम पे आपको अपना जॉब भी मिल जाना चाहिए, आपको आपकी शादी भी कर लेनी चाहिए, आपको सब कुछ हो जाना चाहिए 20s में. ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त होता है एंड दिस इज समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन. बट ऐसा नहीं कि आप वेट करते रह जाओ, यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट. ओके, सो आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन आयुषी. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू लाइक गिव एडवाइस, बट आई होप मेरा आंसर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय वैष्णवी. हे शालिनी दी, योर व्लॉग्स आर सो रिलैक्सिंग फॉर मी. आई हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ डिड यू रिड्यूस योर पिगमेंटेशन, एनी टिप्स रिलेटेड टू डाइट और एनी क्रीम सजेशन यू वुड लाइक टू गिव. सो मेजरली जो पिगमेंटेशन मुझे था That was around my lips. Lips के आसपास ना blackness ज़्यादा थी मुझे. And for the past like 1 year or so, even I am noticing कि pigmentation काफ़ी कम हो गया है. So there are few things I think that really really helped me. पहली चीज़ तो laser treatment. So जो laser treatment मैंने कराया था वो pigmentation के लिए नहीं कराया था. मैंने अभी तक कोई भी laser treatment to treat my skin pigmentation नहीं कराया. I went for the laser treatment for my upper lip. सो जो अपर लिप पे बाल आते थे मुझे वो काफी थिक होते थे. सो जब मैं शेव करती थी या वैक्स करती थी वो बाल तो चले जाते थे, बट उसके नीचे जो रूट जो हेयर फॉलिकल है वो तो अभी भी इंटैक्ट है ना. मुझे लगता है कि जो हेयर फॉलिकल थिक थे, ब्लैक थे, एकदम प्रोमिनेंट थे मेरे स्किन के अंदर, जिसकी वजह से स्किन के आसपास का एरिया ब्लैक दिख रहा था, वो हेयर फॉलिकल बहुत ही फाइन हो गया आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट और स्किन के आसपास का एरिया का ब्लैकनेस कम हो गया. सो दैट हेल्प्ड. सेकेंड थिंग दैट रियली ट्रूली हेल्प्ड फॉर pigmentation was using vitamin C. Vitamin C is an excellent antioxidant. This is really great for reducing hyperpigmentation and pigmentation. I've used so many different brands ke vitamin C. Main currently Dr. Sheets ka use kar rahi hu. Mujhe wo kafi zyada pasand hai, but I've heard really great things about Mineral Mystic vitamin C as well. और मैंने ना दूसरे एक्टिव्स भी यूज़ किए अपने फेस पे, लाइक कोजिक एसिड, सल्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, 10% आइसोमेट सीरम, ये सब भी यूज़ किया मैंने अपने फेस पे. और कहीं ना कहीं इनका एक फ़ायदा ये भी होता है इन सब एसिड्स का कि ये पिगमेंटेशन को भी टारगेट करता है, डार्कनेस को भी रिड्यूस करने में मदद करता है. बट मेजरली विटामिन सी आई वुड से दैट रियली हेल्प. एंड द थर्ड थिंग इज ऑलवेज यूजिंग सनस्क्रीन, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग माई स्किन नो मैटर वॉट. वो जो ऑलरेडी पिगमेंटेड एरिया या स्पॉट है ना, वो ज़्यादा और डीप ना हो जाए ना, उससे प्रोटेक्शन देता है. तो सनस्क्रीन इज मस्ट. You guys. Next question is by Satvika. When are you going to reveal your partner on social media? By the way, love you so much. Love you too, Satvika. Waiting for your vlogs. Okay, so मुझे ये question काफी पूछा जाता है कि अपने partner का नाम बताओ, किसको date कर रही हो हमें बताओ. And I totally understand you guys want to know about me a lot, about my love life as well. But the thing is कि अगर मैं किसी को date कर रही हूँ या कोई है मेरी life में special someone, तो मैंने उसे अभी तक reveal नहीं किया है, तो there is might be a reason ना कि क्यों नहीं बता पा रही हूँ. अगर कोई है मेरी life में तो अगर बताना होता ना मुझे, तो मैं आप लोग को कब का बता चुकी होती. सो अगर कोई है मेरी लाइफ में और मैं नहीं बता रही हूँ, तो आप समझ जाओ कि देयर अदर फैक्टर्स जो मुझे इसे रोक के हुए हैं या जकड़े हुए हैं. और उसमें से सबसे लंबा फैक्टर तो यही है कि माई फैमिली, आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, कांट टॉक अबाउट माई लव लाइफ ओपनली. हाहाकार मच जाएगा, सच बता रही हूँ मैं आपको. आई मीन मेरी फैमिली ऐसी, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉम डैड इंक्लूडिंग पेरेंटल एंड मेटरनल साइड के जो रिलेटिव हैं, दोनों की बात कर रही हूँ मैं. आई मीन क्या करूँ, मेरे रिलेटिव का इन्वॉल्वमेंट है ही लाइफ में, और मॉम डैड को वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है मेरे और मेरे मॉम डैड के बीच रिगार्डिंग की आई डोंट केयर अबाउट आर रिलेटिव थिंग, बट माई मॉम एंड डाडा लाइक दिस इज द सोसाइटी, वी लिविंग इन अ सोसाइटी, वी नीड टू कंसिडर अदर पीपल्स फीलिंग एज वेल. एंड आई एम लाइक, कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं. हाँ, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली यार, मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर मैं किसी लड़की के साथ फोटो भी डाल दूंगी ना, बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है. हाँ, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली यार, मैं आपको क्या बताऊँ. एकता शर्मा इज आस्किंग, व्हेन विल यू शूट फॉर योर हाउस टूर, हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट लुक्स सो कोजी, थैंक यू सो मच. सो मैंने अपने हाउस का टूर अभी तक किया नहीं है, मैंने अपने रूम का टूर भी अभी तक किया नहीं है अपने चैनल पे. इफ यू वांट टू सी अ रूम टूर, प्रोबब्ली आई कैन डू दैट, बट नॉट रियली हाउस टूर. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दी हाउस टूर. सो It's a permanent residence and it's a very pretty house, all right. But I shared this space, the entire house,
विथ माई पेरेंट्स, विथ माई सिबलिंग्स एज वेल. सो मुझे उनका फीलिंग भी कंसिडर करना पड़ेगा ना कि आर दी ओके विथ इट, कैन आई फिल्म एंड वॉट पार्ट ऑफ दी हाउस आई कैन फिल्म. बट थोड़ा बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे या ब्लॉग्स वगैरह में आपको दिख ही जाता है, मोस्टली द डाइनिंग एरिया, द सिटिंग एरिया जहाँ पे टीवी है, वो सब चीज़ें आपको दिख जाती है. किचन भी काफ़ी कुछ आप लोग देख ही चुके हो, मेरा रूम भी आई थिंक देख ही चुके हो, बट ऐसे प्रॉपर रूम टूर किया नहीं है. सो इफ यू आर इन टू दैट आई कैन डू दैट. ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ए एफ मलिक ने पूछा है और इस क्वेश्चन को 32 लाइक्स भी आए हैं. व्हेन विल यू गेट मैरिड? मुझे खुद को नहीं पता है ये चीज. मैरिज इज अ प्लान. ओके, मैं करूंगी शादी. पहले तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि नो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है. पहले से मेरा मतलब 2-3 साल पहले ऐसा लगता था कि नहीं, शादी तो बिल्कुल करनी नहीं, अभी नहीं, अभी क्या, अभी कौन सी शादी. बट अभी आई एम लाइक ओके विद इट कि यू नो आई कैन टॉक अबाउट गेटिंग मैरिड एंड आई कैन टॉक अबाउट कहाँ और कैसे शादी करना है, किसके साथ शादी करना है. प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 ईयर्स आई विल बी मैरिड एंड आई एम गोना फिल्म एवरीथिंग. गाइज, यू आर गोना बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ वॉट एवर फंक्शन इज गोना बी देयर. कहाँ पे होगा, क्या डेस्टिनेशन वेडिंग होगा, कितने लोग इन्वाइट होंगे, सब कुछ मैं फिल्म करूंगी. एंड आई एम गोना हायर 2 पीपल टू फिल्म एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज आई नो फॉर श्योर कि मैं तो कैमरा पकड़ के नहीं कर पाऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रिया. डोंट यू फील मिस आउट एंगेजिंग / कोलैब्स विद पीयर यूट्यूबर्स लाइक हाउ मामा इज ट्रेंडिंग? इज दिस ड्यू टू यू लिव इन भोपाल वेरी लेस प्रेजेंस इन इवेंट्स ऑल्सो? विश यू फॉर सेम टू सून. हाउ स्वीट प्रिया. आई मीन मुझे लेयर्स में आंसर करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक दीज आर लाइक 2 क्वेश्चंस, बट समाउ दोज 2 क्वेश्चंस आर लाइक रिलेटेड. आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मामा जिनके बारे में प्रिया बात कर रही है वो है क्या. मामा इज बेसिकली अ हैशटैग फॉर 4 क्रिएटर्स जो कि साथ में कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं जब भी, तो वो हैशटैग ही यूज करते हैं एंड दे पोस्ट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ. आई एम टॉकिंग अबाउट मृदुल, अल्फिया, मानसी एंड आशी. और इन चारों का कॉन्टेंट मैं इंडिविजुअली देखना पसंद करती हूँ, इंस्टाग्राम पे इन चारों को फॉलो करती हूँ, और इनके साथ में जो कॉन्टेंट आते हैं ना वो भी देखना मैं पसंद करती हूँ, और वो बहुत ही बॉम फाड़ कॉन्टेंट बनाते. Anyway, to answer your question, I really don't crave for having a group. ये कोई plan चीज नहीं होती कि चलो 2 लोग मिल गए, 3 लोग मिल गए तो अपन अपना group बना लेते हैं. It just happens organically. और आप लोग देख सकते हो कि मेरे साथ अभी ऐसा कोई moment आया नहीं है, but there is always a space. But what I do really miss out is not collaborating enough with other creators. And the problem is not other creators, the problem is me. It's me, I'm the problem. इट्स मी गाइज. और मैंने ये चीज़ सारा और हिमाद्री के साथ भी शेयर की थी कि मैं काफ़ी इससे नर्वस हो जाती हूँ व्हेन आई मीट न्यू पीपल एंड आई रियली डोंट नो लाइक वेदर दे विल लाइक मी और नॉट इन देयर वीडियोज. और अगर वो कोलैब भी हम कर रहे हैं तो आई डोंट वॉन्ट कि हम एकदम ही स्ट्रेंजर हो. आई वुड लाइक टू नो दैट पर्सन लिटिल बिट एटलीस्ट और डू रिसर्च अबाउट दैट पर्सन. सो या दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन आई थिंक. और ये जो आपने एक रीजन दिया ना, इज दिस ड्यू टू योर लिव इन भोपाल वेरी लेस प्रेजेंस इन इवेंट्स ऑल्सो? बेसिकली लिविंग इन भोपाल हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. एंड डेफिनेटली कौन तो बड़ा यही है इसका कि जहाँ पे इवेंट्स मेजरली होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, मोस्टली मुंबई जैसे स्पेस में जहाँ पे इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइक ब्यूटी फैशन, वहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं. एंड मुंबई जैसी जगह में क्रिएटर्स की कमी नहीं है. सो मेनी क्रिएटर्स एंड ब्लॉगर्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटी क्रिएटर्स जिनको बड़े बड़े ब्रांड्स इन्वाइट कर सकते हैं. सो वाई वुड दे अलग से पे फॉर अ टिकट फॉर मी टू कम एंड अटेंड, अनलेस आई एम लाइक अ बिग डील फॉर देम कि मेरे प्रेजेंस से एकदम बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा उनको. सो या दैट्स दैट. आई मीन दिस इज लाइक अ मेजर कॉन. और काफी ज्यादा इवेंट्स हुए थे इस साल फॉर श्योर, बट आई डोंट थिंक सो कोलैबोरेटिंग विद अदर क्रिएटर्स इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर दैट आई लिव इन भोपाल. आई मीन अगर कोलैब करना होगा तो आई विल ट्रैवल फॉर दैट एंड आई विल मेक इट हैपन. उससे पहले प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. अगर हम सेम सिटी भी होंगे ना तब भी कोलैबोरेशन के लिए प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड वर्चुअल कोलैब इज एंड ऑब्वियसली ऑप्शन कि हम वर्चुअल कोलैब कर सकते. ओके, दिस इज सच अ स्वीट क्वेश्चन. अप्सरा हुसैन इज आस्किंग, हेलो मिस मंडल, आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन, आर यू हैप्पी? बाय द वे लव यू सो मच. लव यू टू अप्सरा. एंड दिस इज सच अ स्वीट क्वेश्चन. टू आंसर योर क्वेश्चन टुडे, आई एम वेरी हैप्पी. You should come back and ask me this question tomorrow. Okay, I'm going to pick this last question. This is from Archana Singh. Hi Dee, I hope you're doing well. By the way, I really want to know that had you ever experienced horror, black magic kind of thing? I mean paranormal activity in your life? My God, I'm filming this video in the night, guys. It's 12:02 and I'm going to answer this question because I do have an answer to this question. Okay, पहले तो मैं आपको बता दूं कि I don't know whether it's a reality, ये सच में हुआ था कि नहीं, या फिर एक सपना जो कि मेरे मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट हो गया, बिकॉज आई यूज टू हैव दिस सपना अगेन एंड अगेन. यू नो आप
कोई चीज़ बार बार सोचो तो कभी कभार वो एकदम रियल सा लगने लग जाता ना, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सपना था कि ये रियलिटी था। वैसे वाला केस है मेरे साथ, क्योंकि बचपन की बात है ये, आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड और मेरे पापा की पोस्टिंग ना कोंडागांव में हुई थी एंड हम लोग सरकारी घर में रहते थे और हम लोग ना एक ही रूम में सोया करते थे, मेरे पेरेंट्स और हम तीनों बच्चे एक ही बेड पे सब सोया करते थे। और रात को ना सो जाने के बाद पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि समवन इज पुलिंग माई लेग इन दी एयर। आई मीन अगर मैं ऐसे सोई हूँ तो कोई मेरे पैर को ऐसे ऐसे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है एंड माई लेग इज इन द एयर। वो जो मेरे पैर खींच रहा है ना, आई डोंट नो वेदर इट्स अ पर्सन और सम सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिएचर। द इमेज इज लाइक वेरी ब्लैक एंड इट इज मोर लाइक अ डिमेंटर, जो आपने हैरी पॉटर में देखा होगा ना वैसा कुछ है। एंड आई वुड जस्ट गेट अप सडनली इन द नाइट एंड सी नोबडी इज देयर एंड ट्राई टू गो बैक टू स्लीप एंड दिस हैपेंड। माय गॉड मुझे गूज़बम्स आ रहे एंड दिस हैपेंड। ओह माय गॉड स्टॉप विद द गूज़बम्स। एंड दिस हैपेंड कंटिन्यूअसली विद मी, यू नो आई नेवर शेयर दिस विद एनीवन, बट आई डू फील लाइक इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैड मेमोरी और बैड सपना दैट आई हैड, बट somehow I just remembered this sapna very vividly and it sometimes like scares me and haunts me. So that was the last question that I'm going to answer today in today's video. It was a very long video but I feel like this was needed. जब भी मैं गायब हो जाती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, but I'm back now on YouTube and I'm going to post back-to-back content on our channel. Vlogs भी आएंगे. So yes, thank you so much for watching this video and मैंने हमेशा कहा है कि ये channel का existence है because of you guys. अगर आप मेरा content नहीं देखोगे तो ये channel का कोई existence नहीं रहेगा. So and trust me, बहुत ही मज़ेदार content आने वाला है channel पे. So like this video, share this video with your friends and family and subscribe to my channel if you haven't already. I'm gonna see you guys pretty soon with a brand new content on this channel. Wow, बहुत time बाद मैंने ये बोला है sentence, अच्छा लग रहा है. Bye everyone, take care.